जिला सरचिटनीस रामदास जी वाघमारे, इन्होंने वसई विरार में एक ऐसी चीज़ को उजागर किया है जिसकी चर्चा अभी दो दिनों से काफ़ी हो रही है। इस बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या पूरा विषय है, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दूं कि दो दिनों से जो मैं बात कर रहा हूँ एक चीज़ इन्होंने उजागर की है। दरअसल एक वो वीडियो है जो वसई विरार महानगर पालिका में बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी द्वारा कही गई बातें हैं, वो भी समय काफ़ी वायरल हो रहा है वीडियो। एक माने में वो वीडियो स्टिंग ऑपरेशन है जो इन्होंने ही उनके सहयोगी ने निकाला है। अपन जानते हैं उस वीडियो के बारे में, क्या कुछ वीडियो की नौबत क्यों आई इसकी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भगवान साहब, क्या कहेंगे ये जो वीडियो आपने निकाला इसकी नौबत क्यों आई और क्या विषय है? जैसे कि आप सभी जानते हो, वसई विरार शहर महानगर पालिका जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। 2009 में वसई विरार महानगर पालिका बना, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे जो है इनलीगल बांधकाम का ज़्यादा चलन हो गया। पिछले 1.5-2 साल से हम लोग सब कोरोना के चपेट में हैं। साधारण से साधारण नागरिक जो है COVID-19 का जो सरकार का नियम है उसका पालन कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो भू माफिया है वो COVID-19 में भी धड़ल्ले से बांधकाम कर रहे हैं। अब ये जो बांधकाम है इनको रोकना जो महानगर पालिका का काम है, AMC द्वारा इन कामों को केवल नोटिस दी जाती थी, कार्रवाई नहीं की जाती थी। और कार्रवाई कहीं पे छोटी मोटी कार्रवाई होती भी है तो उसे तुरंत हफ्ते भर में रिकवर कर लिया जाता था। ये किस क्षेत्र का मामला? ये नाला सोपारा प्रभाग समिति F का मामला है, जहाँ पर अभी कल तक मोहन संखे जी AMC थे। कल ही उन्होंने कहीं एक बिल्डिंग पे छोटी सी कार्रवाई की और महानगर पालिका के आयुक्त ने सिर्फ अपने मोहरे बदली किए। खेल वही है जो इनलीगल बांधकाम पे अनलिमिटेड जो चल रहा है उसको जारी रखा जा रहा है। फिर से बात करते हैं वीडियो की, तो वीडियो का विषय क्या था, क्यों वीडियो बनाने की नौबत आई, स्टिंग करने की क्यों नौबत आई, और उस स्टिंग में जो उन्होंने कुछ कहा है वो क्या है, वर्ड टू वर्ड बताइए। प्रभाग समिति F में जो विभाग आता है, रिचर्ड कंपाउंड, मनीचा पाड़ा, उमर कंपाउंड, ये जो क्षेत्र है पहले हरे भरे क्षेत्र थे, उनमें पिछले 1.5 सालों में करीब करीब लाखों स्क्वायर फीट का बांधकाम किया गया है। उसके खिलाफ मैंने राइटिंग में कंप्लेंट किया 7 मई 2021 को। मोहन संके जी से मिला, अतिरिक्त आयुक्त से मिला। अतिरिक्त आयुक्त का कहना है कि वहाँ पे जो AMC बैठा हुआ है वो पैसे खाता है। मतलब एक अधिकारी खुलेआम ये कहता है कि जो अधिकारी वहाँ बैठा हो, और वो सीनियर ये कहता है कि मेरा जूनियर खाता है। जूनियर कहता है, और फिर जूनियर को हमने ये बात बताई कि भाई तुम्हारा अधिकारी जो है वो ऐसा बोलता है, तो दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे थे। तो हमको मजबूरी में ये करना पड़ा कि जो सच्चाई है अभी लोगों के सामने उजागर होनी चाहिए। मतलब कितनी बड़ी दुविधा की बात कही जाएगी कि एक सीनियर अधिकारी, उसको मालूम है कि मेरा जूनियर जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके बावजूद ये इसको इकरार करते हुए भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या उन्होंने एक्चुअली मोहन संके जी ने सीधे सीधे आशीष पाटिल जी जो अतिरिक्त आयुक्त थे उनका नाम लिया, बताया जो भी बांधकाम करने वाले लोग हैं, इनलीगल बांधकाम करने वाले, जैसे कि पिंटू आवाड़ है, इरशाद है, अरशद चौधरी है, मैनुद्दीन है, शमशेर है, तफज्जुल है, शामुर, इन सभी का उन्होंने नाम लिया और बोला कि ये सब जो है आशीष पाटिल के लोग हैं। और आशीष पाटिल के लिए सौरभ खानोलकर जो पहले निलंबित हुआ था वो फिर से ज्वाइन हुआ है, और वो कलेक्शन करके युवराज पाटिल और वो जो है आशीष पाटिल को देते हैं, और आशीष पाटिल हमको कोई कार्रवाई करने नहीं देता, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद में अब आपकी अगली भूमिका क्या है और आप क्या चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ही मैंने दोपहर को 3 बजे मुख्यालय में पत्र दिया कि भ्रष्टाचार में लिप्त जो भी अधिकारी और कर्मचारी है उनको तत्काल निलंबित किया जाए, उनकी इंक्वायरी बैठाई जाए, और उसके बाद जिनका जिनका नाम उन्होंने लिया है उन सभी के बांधकाम जो है ध्वस्त किया जाए, और जिससे जो वसई विरार महानगर पालिका की प्रतिमा जो मलिन हो रही है उसमें कुछ सुधार हो।
आपने अभी भी जिक्र किया कि मोहरे बदल गए, खेल वही है, यानी जो कल बदली ऑर्डर निकला है उसको लेकर आपका वो जिक्र था, तो आप इस वाक्य का थोड़ा वर्णन कीजिए कि वाक्य क्या है। ये जो है प्रभाग समिति सी में से सुभाष यादव को निकाल के जी में डाला, जी में से राजेंद्र कदम जी को निकाल के एफ में डाला, एफ में से मोहन संघे को निकाल के सी में डाला, तो ये जो है इनके जो नाम आ रहे हैं मोहन संघे जी नाम, तो उनको घर पे बैठा जाना चाहिए, न कि प्रभार बदल करना चाहिए। अब उन्होंने एफ में किया, अब उनको मौका दिया गया जी में करने के लिए, तो जो एफ में हुआ वह जी में ज़्यादा पैमाने पे होगा, तो वहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, कलेक्शन इनका जारी रहेगा। तो इनका कलेक्शन जारी रहने का जो काम है वो रुकना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, वसई विरार महानगर पालिका जो है हमारी ड वर्ग की महानगर पालिका क्षेत्र है, उसको चलाने के लिए जो महसूल की ज़रूरत पड़ती है वह इन बांधकाम के जरिए जो लीगल तरीके से होता है उसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, उसी से सरकारी अधिकारियों का पगार, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, स्कूल्स बनाए जाते हैं, वे सब इन्हीं में से होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये सरकारी तिजोरी पे डायरेक्ट हमला बोल दे रहे हैं, सरकारी तिजोरी में आने वाला जो रेवेन्यू है वो खुद अपने घर में जमा कर रहे हैं। और मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, आप भी पत्रकार हो, वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में हमने देखा है कि अगर किसी 10x20 में रहने वाले की घर पट्टी 2 साल से बाकी रह जाती है, 2 साल की घर पट्टी कितनी होती है, 6,000-8,000 होती है, तो 6,000-8,000 घर पट्टी बाकी होके आने वाले के घर पे आप सील लगा देते हो, और जहाँ पे करोड़ों लोग उगाही करते हैं वहाँ पे खुली छोड़ देते हो, तो क्या गरीब घर पट्टी भरने वाले लोगों ने ही वसई विरार महानगर पालिका चलाने का ठेका लिया है? एक बड़ी चीज़ जो कई बार ऐसी भी बातें उठती रहती है कि जो बदली की बात है, बदली भी अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है, आपने भी उसको जाहिर किया ही है कि वो मोहरे बदले हैं, लेकिन इसके लिए भी ऐसा कई बार ऐसे आवाज़ें उठी है कि बदली के लिए भी ऊपर तक पैसा पहुंचाया जाता है, उन्हीं लोगों को मनचाहे विभाग दिए जाते हैं, ये बात में आप कहाँ तक सहमत हैं? ऐसा है कि जो बातें हमारे सामने आती है उस बातों पर मैं बोलना उचित समझता हूँ, कहीं सुनी बातों पे भरोसा मैं भी नहीं करता और उस पे बोलना भी नहीं चाहता। जिस दिन मेरे सामने ऐसी कुछ बात आएगी वो लोगों के सामने उजागर हो जाएगी। तो ये हम बात कर रहे थे रामदास वाघमारे जी से, इन्होंने बिंदास तरीके से जो कुछ चल रहा है वसई विरार में उसका बयान किया, और बड़ी विडंबना है कि कितने हद तक भ्रष्टाचार वसई विरार में फैला हुआ है। कल तक महाराष्ट्र में जो है एक नाम चल रहा है सचिन वजे, और बड़ा हंगामा उस चीज़ को लेकर चल रहा है, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि वसई विरार में भी कोई दूसरा सचिन वजे है? तो ऐसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पे उजागर होती दिखाई दे रही है। अब यह प्रशासन के ऊपर ही है, महानगर पालिका में जो आला अधिकारी बैठे हैं, आयुक्त जो है, उनको चाहिए कि इन चीज़ों पर से पर्दा उठाते हुए लोगों में फिर से महानगर पालिका के प्रति जो विश्वास है वो बनाने की कोशिश करें। वाघमारे जी आज के लिए इतना ही, आपसे बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।